रौबदार मूछें पुलिस वालों की पहचान रही हैं। देश के कई राज्यों में पुलिस कर्मियों को मूछों पर ताव देने के लिए भत्ता तक दिया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने मूछ के लिए भत्ता देना बंद कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी ऐसे कई पुलिसकर्मी हैं जो मूछों को श्रृंगार समझते हैं। डलास, हैंडलबार, फू मांचू, हॉर्स शू, शेवरन, क्या आपको पता है ये सभी मूछों के स्टाइल हैं? बदलते समय के साथ फैशन बदला, लेकिन मूछें कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुई। लोग मूछों को मर्दों की शान भी कहते हैं। विंग कमांडर अभिनंदन से लेकर राजपुताना राइफल्स के जवानों की रौबदार मूछें साहस और शौर्य के प्रतीक की तरह प्रतीत होती हैं। कई राज्यों में तो पुलिस जवानों को भी मूछ भत्ता तक दिया जाता है। ये व्यवस्था छत्तीसगढ़ में भी थी। एक वक्त था जब हुंडे बदमाशों में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस कर्मियों को मूछें सवारने का भत्ता दिया जाता था। ये भत्ता पहले 50 रुपए था, जिसे बाद में बढ़ाकर 120 रुपए कर दिया गया, लेकिन अब प्रदेश में मूछ भत्ता बंद कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय से लेकर थाने तक आमतौर पर क्लीन शेव पुलिस कर्मी ही नजर आते हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्हें उनकी मूछों से बहुत प्यार है। भत्ता मिले या न मिले, इन्होंने अपनी मूछों पर ताव देना नहीं छोड़ा। हाँ, पहले मिलता था, जो मूछ रखने में जो अच्छा मूछ रखे उसको भत्ता मिलता था, अभी बंद हो गया है। और मूछ रखने से शान है और मूछ रखना भी चाहिए, और उससे थोड़ा तगड़ा भी लगता है। अगला आदमी जैसे कोई भी निकल रहा है, थोड़ा सा उसको दहशत रहता है, यार है मूछ रखा है तो लोग बोलते हैं कि तगड़ा लग रहा है। एक जमाना था जब हट्टे कट्टे और रौबदार पुलिस कर्मियों को देखते ही अपराधियों के हौसले पस्त हो जाते थे, लेकिन अब पुलिस का सौम्य चेहरा नजर आता है, मूछ गायब हो चुकी है। हालांकि जिन्हें मूछों का महत्व पता है, उनके लिए आज भी ये शान है। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से अब बहुत कम ही पुलिस ऐसे हैं जिनके मूछे हैं और मूछ नथुलाल जैसे कहते हैं, लेकिन अब जितने भी आपको पुलिस मिलेंगे स्मार्ट दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोग दबंग पुलिस भी देखना चाहते हैं। तो एक वक्त ऐसा था जब मूछों का रौब दिखता था, लेकिन अब रौब भी नहीं नजर आता, क्योंकि अब जो प्रोत्साहन राशि है, जो भत्ता है, वही नहीं मिल पा रहा है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ इकबाल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।